अब आता है अघोरी के शमशान में रहने का। आप एक बार इमेजिन करो, अगर मैं आपको बोलूं कि अब 12 बजे एक शमशान में जाओ एंड नाइट स्पेंड करो, क्या कर पाओगे? आप मेरे से डिबेट जीतने के लिए 1 मिनट 2 मिनट वहाँ पे खड़े हो जाओगे, उसके बाद आप कहोगे नहीं नहीं करना, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। पर वो 12 बजे तो छोड़ो, 24 आवर्स, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए वो क्रिमेशन ग्राउंड में होते हैं साधना करने के लिए। उनका फोकस सिर्फ 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 शिवा है, शिवा को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्ति है। अगर हमें एक डेड बॉडी के पास 1 मिनट के लिए बैठने के लिए बोला जाए तो हम लिटरली विल पी डाउन, बट वो लोग वहीं पे, उन लोगों का घर बार सब कुछ है। एंड कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन भी है, जब उनको अघोरी बनना है, अघोरी साधु, ये अलग नहीं, ये बात सही नहीं होगा, अघोरी अलग है साधु अलग है, पर उनको अगर अघोरी बनना है तो उन्हें खुद का श्राद्ध खुद करना पड़ेगा, ताकि उन्हें ऐसा एहसास हो कि मैं मर चुका हूँ, मेरा जो पहला लाइफ था दैट्स कम्प्लीटली फिनिश्ड, अब जो कुछ भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ दैट्स अ कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग फॉर मी। पहले का कोई था जो मर चुका है, अभी इस खुद के श्राद्ध के बाद जो आएगा वो कोई और है। उनके ऐसा बताया भी जाता है कि उनके हाथों ही उनके खुद के घर वालों का पिंड दान किया जाता है, ताकि उसको ऐसा लगे कि अब उसके लिए इस जगत में कोई नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस ही शिवा है, मोक्ष है, शिव प्राप्ति है। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा एंड देखा होगा कि ऐसे बताया जाता है कि अघोरी जो है वो मांस खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। हाँ, कच्चा मांस खाते हैं, कई कई हद तक ये बात सही है, पर उनका खाने का स्टाइल ऐसा है कि वो लोग कोई भी ऐसे नहीं खाएंगे जो मर नहीं गया, मतलब वो लोग पेड़ पौधे भी नहीं खाते। ये बुक से ही लिया गया है, बहुत ही फेमस एक जने हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है, जो कि बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में भी आया है, उन्हीं के बुक से मैं मैक्सिमम चीज़ बता रहा हूँ, मैक्सिमम चीज़, क्योंकि उन्होंने अघोरियों से मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन किया एंड तभी उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने उनका इमेजिनेशन उन्होंने बुक में पूरा लिख दिया। तो ऐसा है कि मांस या फिर पेड़ पौधे इसलिए नहीं खाते वो लोग, क्योंकि उनका मानना है कि पेड़ पौधे में भी जान है। तो शिवा को अगर प्राप्त करना है तो किसी को मार के नहीं, शब्द ही खाना पड़ेगा। जो नेचुरली मर चुका है अगर उसका भक्षण वो लोग करेंगे तो ही कहीं ना कहीं उनका जो साधना है वो सफल की तरफ जाएगा। एंड ये मांस खाना, मूत्रपान करना, ये उनका साधना का एक अंश है, साधना का एक अंश है। हमको लगता है कि वो अच्छा लगता होगा, उन लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं है वो पता नहीं है, पर वो सारे ही एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, भगवान से एक प्रॉमिस है, या फिर भगवान के साथ कांटेक्ट करने के लिए एक, या फिर एक बलिदान है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, बलिदान, सेक्रीफाइस, इस यही रास्ता है अघोर का, इसीलिए उनको अघोरी बोला जाता है, वो लोग ये सब करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अघोरीज। ये सब कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे कि आप लोग केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, पहाड़ पहाड़ पे गए, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कोई साधु ऐसे दोनों टांगों को ऐसे करके सालों तक बैठे, सालों तक वहाँ के, अगर आप रीजनल को पूछेंगे कि वहाँ पे जो लोग रहता है कि वो लोग बोलेंगे 15 साल 20 साल से हम लोग देख रहे हैं वहीं पे बैठा है। आपको क्या लगता है, उसको दर्द नहीं होता, या फिर ना भी हो सकता है, क्योंकि वो जो वो कर रहा है वो सेक्रीफाइस है लॉर्ड शिवा के लिए, कि तेरे लिए शिवा मैं 15 साल 20 साल तक ऐसे ही बैठा रहूँगा, ऐसे ही बैठा रहूँगा। सिर्फ वो बैठने की बात है, किसी कभी की ऐसा भी है कि दो हाथ ऊपर करके बैठा है। हमारे लिए तो वो 1 घंटा नहीं भाई, 1 मिनट अगर हम कर ले तो हाथ दुख जाएगा, एंड दे आर डूइंग फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, कुछ तो हाई होगा उनमें,
कि उतना वो लोग कर पा रहे हैं। एंड 20 ईयर्स के लिए अगर किसी का हाथ ऐसा हो जाए तो हाथ तो पूरा सुन पड़ जाएगा, यहाँ पे तो काट के बात देना पड़ेगा, काट के फेंक देना पड़ेगा हाथ को, पर उनके लिए वो वर्क नहीं करता। दे आर स्पिरिचुअली हाई इनफ टू टॉलरेट दैट। ऐसा है कि उनका भी गुरु है, ऐसा नहीं है कि उनका गुरु नहीं है, उनका जो गुरु है वो उनको डायरेक्शन देता है कि तुमको 10 साल तक, 15 साल तक, 30 साल तक, 50 साल तक ये क्रिया करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा वो होगा। वो का मतलब है कि शायद मोक्ष प्राप्ति, शायद एक सीढ़ी आगे वो बढ़ेंगे इस जन्म में, शायद वो किसी के साथ मीट कर पाएंगे जो उन्हें हाथ पकड़ के उनके ही गोल के तरफ ले जाएंगे। कुछ भी हो सकता है ये, कुछ भी हो सकता है ये, पर जो भी होगा सारा कुछ चीज़ स्पिरिचुअली के साथ बहुत ही ज़्यादा लिंक करेगा। अघोरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होता है, यानी कि हर कुछ चीज़ वो किसी को नहीं बताते, वो चीज़ को सीक्रेट रखना जानते हैं, वो रखते भी। इसीलिए जितना भी हमारे पास है अघोरी के साथ, अघोरी के लिए या फिर तंत्र साधना के लिए, वो सारे ही ब्लैक है, नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड तो बहुत है, पर शायद हमको वो चीज़ पता नहीं है। एक तलवार को हम काटने के लिए भी या फिर बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमको सिर्फ काटने का साइड ही पता है, तो वैसे ही अघोरी का, साधना का, तंत्र शक्ति का सिर्फ हमें ब्लैक दिख पता है, ब्लैक साइड पता है। उसके लिए जो हमको उतना तपस्या करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, लोक कल्याण के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पर हमें ये सब चीज़ पोर्ट्रे नहीं किया जाता वीडियोस के थ्रू, टीवीज़ के थ्रू। जिनको जो भी पता है वो सब चीज़ हमेशा ब्लैक चीज़ों के लिए ही फोकस करते हैं, कि वो लोग ये करते हैं, मांस खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, शमशान में रहते हैं, बहुत ही घटिया रहते हैं, बाल बढ़ा के रहते हैं, वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना होते हैं, क्योंकि हम हैबिचुएटेड नहीं है, दैट्स नॉर्मल फॉर देम एंड दैट्स द एक्चुअल वे टू सी शिवा, टू सी द एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइन, टू अप्रेज अवर स्पिरिचुअल लेवल। बट जब हम लोग मैच नहीं कर पाते तब हम लोग उनको ही कुछ गलत सलत बोल देते हैं कि नो दे आर नॉट। एंड जितने भी आप लोग देखते हो वीडियोस में यूट्यूब में, मैं साधु हूँ, एक खोपड़ी ले लिया इंसान का, मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ के जाना है कि जो रियल है वो कभी भी कैमरा के सामने नहीं आता। एंड ऐसा भी बहुत सारे इंस्टेंस आ चुके हैं कि उन लोगों ने पिक्चर या फिर वीडियो बनाया पर वीडियो ही नहीं आया। कभी किसी ने तो ये कहा कि मैंने पूरा वीडियो बनाया, मैंने वहाँ पे चेक किया वीडियो को, घर आने के बाद देख रहा हूँ कि मेरा वो जो मेमोरी कार्ड था अचानक से फ्री अप हो गया। किसी की से ऐसा भी कहा कि जो पिक्चर मैंने लिया था, पूरा पिक्चर है, उसमें मैं भी हूँ, पर कहीं ना कहीं वो इंसान है, वो घोरी है या फिर वो साधु है, उसका पिक्चर नहीं आया, बिल्कुल हेजी सा आया। तो कुछ तो है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये था आज का अघोरी को लेके कुछ। अगर मुझे फ्यूचर में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है देन फॉर श्योर आई विल गिव इट, एंड ऐसा ही कंटेंट्स आएगा, बहुत ही डार्क हॉरर स्टोरीज तो आएंगी, पर मेरा चैनल है हॉरर के साथ साथ मिस्ट्री, क्रीपी, डार्क, तो ये सब भी आज से कवर करने वाला हूँ मैं। एंड शायद से इस अघोरी का पार्ट आने वाला है और एक या फिर दो, क्योंकि बहुत कुछ है, मैंने छोटा करके बताया, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये तो सिर्फ एक पन्ना है समझ लो, ऐसे हज़ारों से भी ज़्यादा, 2000-10,000 पन्ने हैं, ठीक है, एक किताब का नहीं, ऑफ कोर्स सी बात है, बहुत सारे किताब है, एक जन तो नहीं लिखा ना। एंड मैं नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हो, ये एक बुक है, ये एक बुक है, तो सब तो नहीं पढ़ पाया, कुछ कुछ पार्ट पढ़ा, कुछ कुछ समरी पढ़ा, तो सब कुछ करके इतना इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाया कि मैंने आपको डिलीवर किया। एंड जितना भी इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया इतना बता सकते हो कि सही है, एटलीस्ट गलत कुछ नहीं बोला मैंने। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो मैंने थोड़ा अलग करने का कोशिश की, आपको बढ़िया लगा होगा, अगर आपको बढ़िया लगा है तो
गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसे ही शॉर्ट्स देखने के लिए, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक तड़कता भड़कता बहुत ही डार्क हॉरर वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव आज के लिए।